तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कमांडो भाई। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं प्लंजर मशीन के बारे में। देखिए, अभी भी हमारे लगभग जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, या जितने भी आप लोग कार वॉशिंग वाले मुझे फोन करते हैं, सबके अंदर अभी भी एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि भाई साहब, ये प्लंजर पंप कौन सी कंपनी का लें। तो मैं तो उनसे हाथ जोड़ जोड़ के कहते कहते थक गया हूं कि यार, मशीन की तरफ मत जाओ, किसी भी कंपनी की मशीन की तरफ मत जाओ, आपने जाना है उसके रिपेयर किट की तरफ। तो शायद आप भी ये वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने कल मुझे फोन किया। काफी दो तीन लोगों की फोन आए कि यार, मैं एक नया वॉशिंग सेंटर खोल रहा हूँ और मैं बेताली की मशीन लूँ, एमएक्स की मशीन लूँ, या शक्ति इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की लूँ, तो मैं मशीन कौन सी लूँ, कौन सी बेस्ट रहेगी। देखो, आपने यूट्यूब पे जितने भी वीडियो देखे, जो उनके रिव्यू देखे हैं, तो मैं उनको कार वॉशिंग वाला सेंटर वाला नहीं मानता। मैं उनको एक यूट्यूबर मानता हूं जो प्रमोशन करते हैं। वो उस मशीन को लगभग एक घंटा, ज्यादा से ज्यादा एक घंटा, या वीडियो बनाने के लिए आधा घंटा यूज करते हैं। उसके बाद उनको उस मशीन से कोई लेना देना नहीं होता, वो बेच लेते हैं उसको, उसका उसको प्रमोशन का पैसा मिल जाता है। और हम लोग जो है, जो कार वॉशिंग सेंटर वाले हैं, हम लोग उस मशीन के साथ अपनी जिंदगी के एक साल, दो साल, ढाई साल ये तक उनके यहां व्यतीत करते हैं। डेली उनके हमने उन मशीनों से हमने घंटों गाड़ियां धोते हैं। तो हम दिन रात उन मशीनों के साथ रहते हैं, हमें पता है उसमें छोटी छोटी क्या क्या प्रॉब्लम आती है। कभी प्रेशर की प्रॉब्लम आती है, कभी किसी चीज की प्रॉब्लम आती है, कभी पाइप फटने की प्रॉब्लम आती है, कभी पानी के लीकेज की प्रॉब्लम आती है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी मशीन आप परचेज कर लो, बशर्ते उसका रिपेयर किट मुहैया होना चाहिए। कि मशीन है भाई, इंसान है, इंसान भी मरता है, मशीन है, खराब होती है, खराब हो जाएगी तो क्या करोगे, बैठे रह जाओगे। तो मैं चाहता हूं कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें, कि आप एक बार इन्वेस्ट करें और आप कम से कम दो से ढाई साल बेफिक्र होके उस मशीन से पैसा कमा सकें। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि मशीनों में अक्सर होता क्या है। जो प्लंजर पंप होते हैं, दुनिया का कोई भी कंपनी का हो, चाहे इंडियन हो, चाइनीज हो, जैपनीज हो, कोरियन हो, कोई भी प्लंजर पंप की मशीन हो, उसमें होता क्या है। तो मैं आपको ले चलता हूं अपनी मशीन की तरफ, दिखाता हूं कि अक्सर होता क्या है, प्रॉब्लम किस चीज में आती है। तो आप इस चीज को समझिए कि प्लंजर पंप होता क्या है, क्या प्रॉब्लम आती है, और उसका रिपेयर किट अवेलेबल है या नहीं है। तो चलते हैं मशीन के पास। फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पर ये मेरी पुरानी मशीन है। तो देखिए, अक्सर उसमें क्या होता है, प्लंजर पंप में होती है एक मोटर, जो चाइनीज या फिर इंडियन, आप कुछ भी लगा सकते हैं। इंडियन मशीन में ये है कि इंडियन मशीन बहुत बड़ी होती है और उसके लिए आपको हैवी कनेक्शन चाहिए बिजली का, 4 किलोवाट, 3 किलोवाट, इतना बिजली का कनेक्शन चाहिए। और जो ये चाइनीज मशीनें होती हैं, इसके लिए आपको हैवी कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है। और बाय चांस ये मशीनें फूक जाती हैं, तो आप इसको जहां कॉपर की बाइंडिंग होती है वहां बाइंडिंग करा के दोबारा से रिपेयर करा सकते हैं। दूसरा इसमें होता है एक प्लंजर पंप, यहां से दिख नहीं रहा, मैं यहां से दिखाता हूं। तो ये होता है प्लंजर पंप, जो ये होता है, इसमें ऑयल जाता है, इसके अंदर ऑयल होता है और एक क्रैंक होती है और 3 पिस्टन से वो क्रैंक ज्वाइंट होती है। और ये होता है इसका प्लंजर, मैंने इसको कम से कम 5 से 6 बार खोला है। तो इसके अंदर 3 रॉड होते हैं जिसको बोलते हैं पिस्टन, और इसमें इसके अंदर होते हैं रबड़, 3 ऑयल सील होती हैं जो उसको लीक होने से बचाती है। तो क्या कहते हैं, इसमें एक होता है ऑटो कट। तो ऑटो कट जैसे खराब हो गया, तो यहां से मैंने क्या करा, ऑटो कट मैंने बनवाया 2 बार लेकिन वो भी खराब हो गया, तो मैंने एक नट बोर्ड लगा के इसको ऑटो कट का सिस्टम ही खत्म कर दिया। तो मैं इसको मैन्युअली ऑन और ऑफ करता हूं। और इसमें और क्या प्रॉब्लम आती है, इसका बिजली का जो होता है स्विच जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो मैंने इसमें एमसील लगवाई है, क्योंकि इसमें ऑटो कट खराब हो गया है, मशीन कंटिन्यू चली रहती है, गर्म हो जाती है, हाई वोल्टेज कुछ भी आता है तो एमसील क्या है, डाउन हो जाती है, तो मैंने इसमें एमसील लगवाई है। तो ये चीज है। तो जो प्लंजर पंप है उसमें दिक्कत सिर्फ क्या आती है, उसमें इसका प्रेशर कम हो जाता है, उसको कम होने की वजह क्या होती है, जो इसकी ऑयल सील, जो इसके अंदर जो रबड़ होते हैं, वो रबड़ ढीले हो जाते हैं। तो यही होता है इसका रिपेयर किट, जो ऑयल सील वगैरह मिलती है, इसके अलावा रिपेयर किट कुछ नहीं होता है। दुनिया की आप कोई भी मशीन ले लें, उसमें बस यही मैकेनिज्म, यही फिटिंग होती है,
और ये प्लंजर एक मोटर से कनेक्टेड होता है, चाहे वो मोटर इंडियन हो या चाइनीज हो। अब चलते हैं हम शक्ति इलेक्ट्रॉनिक की तरफ, शक्ति टेक्नोलॉजी की तरफ। तो देखिए ये है मेरा शक्ति जेट फोर्स, तो इसमें भी वही चीज है, एक 4 HP की मोटर दी है। ये चाइनीज 4 HP है, जो इंडियन 4 HP होता है वो थोड़ी बड़ी मशीन होती है, उसको चलाने के लिए आपको बिजली का हैवी कनेक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मल वायरिंग को जला देगा। और वायरिंग भी अच्छी, मतलब 2 mm 2.5 mm से काम नहीं चलता, ज्यादा ही mm की लगानी पड़ती है। तो जो ये चाइनीज होती है ये भी रिपेयरेबल हो जाती है। जैसे आपका ये मशीन खराब हो गई पीछे की, तो आपने कॉपर वाइंडिंग करवा लेनी है, जहां कॉपर की वाइंडिंग होती है वहां करवा लेनी है, तो ये मशीन कहीं भी रिपेयर हो जाएगी। दूसरा आता है प्लंजर पंप। प्लंजर पंप में जो ये एरिया आप देख रहे हो, और ये आप इसका ये ढक्कन देख रहे हो, इसके अंदर ऑयल जाता है। और मेन क्या होता है, ये जो ब्रांच बॉडी का ये है, इसके अंदर होते हैं 3 पिस्टन, और पिस्टन और जो ये कवर होता है इसमें होती है ऑयल सीलें, जिसको हम रिपेयर किट के नाम से भी जानते हैं। तो वो रबर ढीली हो जाती है, उससे क्या होता है कि प्रेशर डाउन हो जाता है, और पानी लीकेज की प्रॉब्लम होती है। और इसमें एक होता है ऑटो कट, जो इस कंपनी ने थोड़ा हल्की कंपनी का दिया हुआ है ऑटो कट। तो ऑटो कट अगर आपका खराब हो भी गया, तो आपने इस नट को चेंज कर देना है, इसको बंद कर देना है, फिर मैन्युअली आप इसको ऑन ऑफ करके चला सकते हैं। तो प्लंजर पंप में बस इतना ही होता है, बस ये हिस्सा को प्लंजर पंप कहते हैं बस। तो आप सिर्फ इतने से हिस्से को लेने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, आप उसी कंपनी का, जैसे शक्ति टेक्नोलॉजी कहती है कि मैं आपको रिपेयर किट मुहैया कराऊंगी, तो बस इतना ही चीज होती है। तो आप जो ये प्लंजर पंप है इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसका रिपेयर किट अवेलेबल है। इसकी जो रबड़ होती है, ऑयल सील होती है पिस्टन रॉड के अंदर, तो उसको आप रिपेयर करा सकते हैं। और बची इसकी ऑटो कट की प्रॉब्लम, तो ये भी उसके पास मुहैया है। ये एक प्लास्टिक, इसके अंदर एक रॉड होता है, ऐसा डंडा जैसा होता है, जो पानी जब गन को ऑन ऑफ करते हैं ना, तो खिसकता है, ऑन ऑफ करता है, स्विच को दबाता है, वो ऑफ होता है, बस इतना ही होता है, और इसमें और कुछ नहीं होता। तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो कि आपने कौन सी कंपनी की लेनी है, बैटा की लेनी है। तो प्लंजर पंप की रिपेयर के बारे में मैं अभी यूट्यूब में ढूंढूंगा, अगर मुझे कोई वीडियो मिल गया तो मैं आपको पूरा प्लंजर पंप का जो खुला हुआ वीडियो है, मैं वो आपको वीडियो यहाँ स्क्रीन पे चलाऊंगा। तो प्लंजर पंप कुछ नहीं होता, खाली 3 पिस्टन होते हैं, क्रैंक होती है, और ऑयल सील होती है उसमें, जो रबड़ जो होती है, बस यही चीज होती है, और उसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर पीछे की जो मोटर है 3 HP 4 HP की आप लेते हैं, तो उतनी पावर आती है, जो पिस्टन साइज होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो जितना मोटा हो जाएगा उतना वो प्रेशर जनरेट करेगा। तो बस इतना ही है। तो मशीनों के चक्कर में आप बेताली हो, चाहे MX हो, चाहे JPT हो, चाहे ये शक्ति की हो, कोई सी भी मशीन आप परचेज कर लो, बशर्ते रिपेयर किट आपको मिलना चाहिए। बस इतना ही होता है इस मशीन के अंदर, और कुछ नहीं होता है। लगभग जो आपको गारंटी देते हैं 1 साल की, 1.5 साल की, 2 साल की, कुछ गारंटी नहीं होती यार। छोटी मोटी इसकी दिक्कतें होती हैं, वो आपने खुद ही ठीक करनी पड़ेंगी। आप प्रमोशन जो वीडियो करते हैं, आप उनको देख के मशीन परचेज मत करो। सबका मैकेनिज्म, सबका सिस्टम एक ही चीज पे काम करता है। इसकी धीरे धीरे जो प्लंजर होता है, इसका जो प्लंजर होता है वो ऐसे ऐसे करके जाता है, तो रबड़ों को वो धीरे धीरे घिसना शुरू कर देता है, तो रबड़ ढीली हो जाती है, जिससे उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो आपने रिपेयर किट के नाम पे वही 3 जो पिस्टन होते हैं, उसके 9 या 10 रबड़ होते हैं, वो रबड़ आपने मंगाने हैं, बस वही इसका रिपेयर किट होता है। इसके अलावा इसकी जो भी मेंटेनेंस है आपकी लोकल मार्केट में, वो मेंटेनेंस हो जाती है। तो बस इतना ही था। तो मशीनों में आप कंफ्यूज मत हो, ये प्लंजर पंप सब सेम होते हैं, और कुछ लोग इसको प्लंजर पंप अलग से और इंडियन मोटर लगा के बेच रहे हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि यार ऑटो कट नहीं है। ऑटो कट से क्या है कि मशीन ऑफ होनी चाहिए, ऑफ नहीं हो रही है, मशीन कंटिन्यू चल रही है, मैनुअली आप ऑफ कर सकते हो। और गाड़ी ये धोती है, धोती रहेगी, तो आप कम से कम 3 से 4 HP की कोई सी भी मशीन ले लो, बशर्ते उसका रिपेयर किट आपको मिलना चाहिए। और शक्ति टेक्नोलॉजी की जो मशीन है, तो मेरी इससे बात हुई थी, तो इसने मुझे वीडियो में दिखाया है, और जो हमारे हरी मैकेनिकल भाई हैं, वो भी वहाँ उस कंपनी के पास पहुँचे, उन्होंने भी एक वीडियो अभी आज या कल में अपलोड कर देंगे शायद वो, तो वो भी वहाँ पहुँचे, तो उसका रिपेयर किट वो दिखा रहे हैं।
वो मुझे बता रहा था कंपनी वाला कि यार उन्होंने काफी वीडियो वीडियो शूट आउट किया हुआ है, आप देख सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो हमारी कंपनी पे। तो तभी मैं आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ कि शक्ति टेक्नोलॉजी की मशीन लो, क्योंकि इसका रिपेयर किट अवेलेबल है। इसका कोई भी पार्ट खराब होता है, इसकी क्रैंक हो गई, इसका पिस्टन हो गया, इसकी रबड़ की ऑयल सीले हो गई, अगर कुछ भी खराब होता है तो आपको अवेलेबल आसानी से हो जाएगा। बस इतना ही है, तभी मैं बाकी मशीनों का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इसका इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका रिपेयर किट मुहैया है, अवेलेबल है। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मुझे किसी ने कोई पैसा नहीं दिया है, मैं सिर्फ आप लोग की मदद करना चाहता हूँ। क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे आप तो क्या कहते हैं, आपका ये मशीन 1 से 2 साल तक आराम से चलेगी, निकाल लेगी, अपना पैसा वसूल कर लेगी ये मशीन। भाई यही चीज है, बाकी मुझे लगा है जुकाम, तो मैं करता हूं आपको बाय बाय। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यार मेरे कम से कम 600-650 अभी सब्सक्राइबर हैं और लाइक आ रहे हैं 2, 3, 4, 5, कमेंट आ रहे हैं 2, 3, 4। अरे यार 650 है और मेरे जेन्यून जितने भी वॉशिंग सेंटर वाले हैं रिलेटेड, जो मुझे एक दिन में 10 या 12 मुझे फोन आते हैं, वो लोग तक लाइक नहीं कर दे रहे। यार लाइक करो, जरा हौसला बढ़ता है, कमेंट करो उसमें, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो, लाइक करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रबिंग के बारे में, रबिंग पेपरों के बारे में, क्ले बार के बारे में, और रबिंग कंपाउंड के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो यही थी जानकारी कि आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, कोई सा भी प्लंजर पंप ले लो, बस रिपेयर किट अवेलेबल होना चाहिए, और हो सके तो शक्ति वाले ले लो क्योंकि इसका मैंने देख चुका हूं, इसका रिपेयर किट अवेलेबल है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।